नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अर्पित द्विवेदी है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी आपकी 49,000 वाली यूपी कांस्टेबल की, मैं भी उसमें क्वालिफाई किया था। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे जो मेरा DVPST के लिए एडमिट कार्ड था, साथ ही साथ जो मेरा रनिंग के लिए एडमिट कार्ड था, वो दिख रहा होगा। सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि जेन्युइन लगे आपको कि जो ये सामने इंसान खड़ा है वीडियो में, वो आपको जो बता रहा है क्या वो उस लायक है या फिर नहीं, तो सिर्फ इसलिए है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको मत लेना कि मैं ठीक है बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सिंपली आपने ठीक है जैसा कि सुना होगा कि जल्द ही आपका जो 26,000 कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो भी संपन्न कराया जाएगा। वैकेंसी लगभग आ ही चुकी हैं आपकी। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, साथ ही साथ मैंने किस प्रकार से ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया था, क्या पढ़ा था, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ मैं आपसे कह दूँ, अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों बेस्ट किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी ठीक है इसके बारे में भी थोड़ी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे नंबर से आप कैसे क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता होगा, सिंपली चार यहाँ पे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक रहता है आपका मैथ, एक रहता है आपका रीजनिंग, हिंदी पूछा जाता है आपका, और GK पूछा जाता है आपका। इसी में ये जो GK वाला पार्ट है इसमें आप UPGK को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग आपका 37-38 क्वेश्चन मैथ के, 37-38 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, लगभग 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और लगभग 37 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं GK के। ठीक है, 37-38 में लगभग इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है आपको एग्ज़ाम को करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या हैं किताबें जिनसे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। मैथ को सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि मैंने मैथ कहाँ से प्रिपेयर किया था, किस प्रकार से प्रिपेयर किया था। तो दोस्तों मैथ के लिए सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूं, मैथ में एक टॉपिक रहता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एक टॉपिक रहता है एक। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर लो। मैथ का मैं आपको इंश्योर करता हूँ ये चीज़। ठीक है, कि अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी थोड़े आप गुणा भाग जोड़ घटाना करने में अच्छे हो, नॉर्मल भी हो, और अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपका ये जो मैथ वाला पार्ट है कांस्टेबल एग्ज़ाम का, आप आराम से 38 में से 34-35 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो ऑप्शन उठा उठा के ही क्वेश्चन आप वो कर दोगे, क्योंकि टाइम देखो पर्याप्त है उस एग्ज़ाम में आपको। और जो क्वेश्चन का लेवल मुझे लगा मेरे अकॉर्डिंग तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है, सिर्फ थोड़ी आपको कैलकुलेशन आती हो कि चलिए हाँ ठीक है ये इतना होगा, इसको जोड़ने पे, इसको घटाने पे, इसको गुणा भाग पे, उसके साथ साथ परसेंटेज वाला, क्योंकि परसेंटेज दोस्तों ऐसा पार्ट है कि अर्थमेटिक का मेरे हिसाब से तो लगभग 60-70% पार्ट परसेंटेज से ही आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैथ में सबसे पहले तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करना है। साथ ही साथ किताब में आपके लिए बता रहा हूँ, मैथ को आप दोस्तों शारदा पब्लिकेशन की, ठीक है, SD यादव की एक किताब आती है, ठीक है, SD यादव की बेसिक मैथ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से कवर हो जाएगा मैथ आपका। ठीक है, तो दोस्तों मैथ के लिए ये मैंने आपको किताब बता दी, साथ ही साथ परसेंटेज आप YouTube पे कहीं से पढ़ लेना, लेकिन परसेंटेज जरूर पढ़ लेना। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और परसेंटेज भी आपको अगर आती है तो मैथ को तो मेरे हिसाब से ठीक है, मेरी भी यही स्ट्रेटजी थी। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा मैथ को पढ़ के गया भी नहीं था, लेकिन अच्छे से मैथ में क्वेश्चन वहाँ पर फोड़ के आया था पूरे। मैथ आपको यहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग दोस्तों देखो इसमें बहुत ही ईजी आती है, आप कह सकते हैं बेसिक बिल्कुल रीजनिंग आपकी आती है, और जो ये मैथ रीजनिंग वाले पार्ट है इसमें आपके पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप एक पुलिस वाले हैं, कुछ घटना होगी तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों या तो आप किरण की किताब ले सकते हैं, ठीक है, किरण की किताब ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की आती है,
तो किरण या फिर अरिहंत में से आप कोई भी ले लेना रीजनिंग के, जो आपको 37-38 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से 20-22 क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेशन वाले मिलेंगे कि दिशा दूरी जो भी आपका टाइम वर्क वगैरह रीजनिंग के पार्ट रहते हैं, बाकी 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये आपके लॉजिक वाले कि आप एक पुलिस वाले हैं कुछ घटना हुई इसी प्रकार की, सिर्फ लॉजिक रहेगा उनमें, ठीक है। और बाकी भी सिंपली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा मुझे तो हार्ड नहीं लगे रीजनिंग के, बस आप किरण को लगा लेना, किरण में जो क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक वाइज लगा लेना कि ये जैसे आपका टाइम वर्क टॉपिक है तो इसके हमने क्वेश्चन समझ गए हम कि किस प्रकार से करना है, घड़ी के क्वेश्चन है, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन है तो किस प्रकार से करना है, बाकी आपके जो ठीक है हिंदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी दोस्तों आपको पढ़ना है, या तो आप किरण ले लेना हिंदी के लिए, ठीक है, साथ ही साथ, या फिर आप एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, या फिर मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी ले लेना, ठीक है, या फिर आप ले लेना अरिहंत, इन तीन में से दोस्तों किसी भी किताब को लेके आप अपनी हिंदी को प्रिपेयर पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसमें रचनाएं भी रहेंगी, ठीक है, इन तीनों किताबों में, साथ ही साथ आपका व्याकरण वाला जो भी पार्ट है पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जीके के बारे में, ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जीके के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो जीके में सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि आता क्या क्या है, ठीक है, जीके में एक तो पूरी आपकी रहेगी स्टैटिक जीके, उसके बाद दोस्तों यूपी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक, ठीक है, करेंट अफेयर्स भी जीके में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जीके के लिए 2-3 किताबें आती हैं मार्केट में जो बहुत अच्छी रहती हैं आपके इस एग्जाम के लिए, एक तो रहती है आपकी घटना चक्र की किताब, ठीक है, घटना चक्र की किताब आप ले सकते हैं, या फिर वन ऑफ द बेस्ट लूसेंट अगर आपके पास हो, ठीक है, उसको आप लेके बेसिक जो क्वेश्चन रहते हैं उनको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और किताब आती है, ठीक है, यूपी जीके के लिए घटना चक्र की ही, ठीक है, यूपी जीके के लिए भी घटना चक्र की किताब आती है, तो आप इससे बेसिक अपना जो जीके है वो कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो लूसेंट में पीछे के पार्ट में आपके छोटे बड़े विविध वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है, लूसेंट की विविध तो दोस्तों देखो पढ़ के ही जाना है, ठीक है, लूसेंट की आपको विविध पढ़ना है, मैं छोटे से टॉपिक्स बता रहा हूँ ये, ठीक है, विविध वाला आपका लगभग अगर 37 क्वेश्चन आए तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपको विविध से मिलेंगे कि परमवीर चक्र जो है वो कब दिया जाता है, महावीर चक्र ये पीछे ही लिखे हैं उसके, ठीक है, छोटा बड़ा और प्रथम अपनी मंत्रिमंडल थी तो उसमें ये कौन थे, ठीक है, अपने रक्षा मंत्री, ये सब क्वेश्चन, उसके बाद आपके दिवस भी पूछे जाते हैं उसमें, विविध पढ़ लोगे तो देखो 8-10 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखो एक रहता है करेंट अफेयर के लिए स्पीडी जरूर लेना है आपको, करेंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लोगे और इतना एक कवर कर लोगे तो जीके में, ठीक है, 37 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में से ज़्यादा टारगेट नहीं करना है आपको, सिर्फ करना है 28 से 30 क्वेश्चन अपने टारगेट की, अगर इतना भी हो गया तो पर्याप्त है जीके के लिए, क्योंकि दोस्तों देखो 1,00,000 लगभग, ठीक है, 42,000 और 48,000 कांस्टेबल भर्ती हो चुके हैं, तो ये हो गए आपके लगभग 90,000 बच्चे, ठीक है, और ये वो बच्चे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो अब बचे हैं, ठीक है, एक तो जनरल वाले जो बच्चे हैं अभी 18 से 22 की एज है तो ओवर एज हो गए, वो लोग फॉर्म डाल नहीं पाएंगे, बाकी जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो लगभग निकल गए हैं पढ़ने वाले, तो पिछले बार से कम ही आपकी ये जो मैरिड है, ठीक है, जो कट ऑफ है वो रहेगी इस बार, इतना अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तब आराम से आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण यहीं से हुआ था, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अलावा आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो दोस्तों देखो ये जो आपका सिलेबस है आपका मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके का, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर आप यूपी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है उसके लिए अलग से एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दें, साथ ही साथ कुछ इनको पढ़ने के लिए प्रबंध भी कर दें। तो दोस्तों देखो कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, ठीक है, करेंट अफेयर के अलावा, करेंट अफेयर आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंप्लीट जो आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर नया तैयार कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एक तो दोस्तों तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही
ये जो आपके चार विषय हैं इनकी कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग उन पीडीएफ फॉर्म को ले पीडीएफ नोट्स को लेके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, सिर्फ दोस्तों 99 रुपीज़, ठीक है, 99 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है आपका 15 फरवरी तक। उसके बाद ये प्राइस आपको लगभग बढ़ जाएंगे, तो 99 रुपीज़ दोस्तों 15 फरवरी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप का और इन नोट्स का प्राइस रखा गया है। ये नोट्स दोस्तों देखो कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको कवर करेंगे, और जिस प्रकार से मैंने अपना एग्जाम ये निकाला था, मेरी ही स्ट्रेटजी मैंने जो पढ़ा था, ठीक है, जिन नोट्स से, वही आप लेके बहुत शानदार तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके इन कंप्लीट नोट्स की डेमो को जरूर देख सकते हैं, उनको वहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लो नोट्स आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। ये हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के सीधे अपने नंबर पे व्हाट्सएप पे मैं ये नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा जो पीडीएफ स्टोर है, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, पीडीएफ स्टोर, उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे 99 रुपी पे करके डायरेक्ट आपको ये चारों पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या क्या आप वो और देख लो, मैथ की कंप्लीट पीडीएफ है, पूरा कंप्लीट जो मैथ आपका आपके एग्जाम में आता है वो मिल जाएगी आपको, रीजनिंग की आपको एक किताब की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी की दोस्तों 120 पेज के कंप्लीट डेडिकेटेड नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 37 में से 35 आपके नंबर हैं उसका वहीं से आ जाएगा, ठीक है। जीके में दोस्तों दो पीडीएफ मिलेंगी आपको, एक मिलेगा स्टैटिक जीके की 152 पेज की पीडीएफ, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में है, पूरा आपका इतिहास से लेके पूरा स्टैटिक पूरा जियोग्राफी सब कुछ इसमें कवर है, ठीक है। उसके बाद एक मिलेगी आपको यूपी जीके की पीडीएफ 97 पेज की, तो ये 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको, क्लियर इसमें। तो दोस्तों ये था सब कुछ, जो लोग इंटरेस्टेड हो लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट भी, ठीक है, लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं और अपनी एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपना एग्जाम ही निकाला था, आप भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब कुछ लोग ये कहेंगे, सर आप तो अब एक कोर्स बेच रहे हो, ये कर रहे हो, भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम निकाला है, आपके पास सामने प्रूफ है, ठीक है, तभी मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको नॉलेज है, ठीक है, उसके साथ ही आप तैयारी अपनी कर सकते हो। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, जिन लोगों ने, ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट।